लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर रोजगार को लेकर बड़ा हमला बोला था। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए। जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? प्रियंका गांधी वाड्रा के इस हमले का जवाब दिया बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रियंका गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों तक क्या किया। What your Congress party was doing for 60 years? In 5 years you have discovered that there is unemployment in the country. You must understand your own history first. आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बेरोजगारी के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने सोवियत मॉडल चुना जिसमें पूंजी आधारित औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई और खेती की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।